नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइस, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अनबॉक्स किए थे 5 ऐसे वायर्ड हेडफोन जो आपको मिल जाएंगे 500 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर। और गाइस, तभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ऐसा कोई वीडियो बनाओ जिसमें आप अनबॉक्स करोगे 5 ऐसे ब्लूटूथ हेडफोन्स जो 1000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर हो या फिर और भी कुछ अलग अलग डिफरेंट प्राइसिंग दी है। सो गाइस, फाइनली आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं 5 ऐसे ब्लूटूथ हेडफोन्स जो आपको मिल जाएंगे 1000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। सो गाइस, सारे भी हेडफोन्स रेडी है तो चलिए हम करते हैं उनकी अनबॉक्सिंग। बट गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले यार, मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो नहीं करते, मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। गाइस, जाके उसे फॉलो कीजिए। हमारे मेन चैनल पे 3.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है बट वहाँ पे 10,000 फॉलोअर्स भी नहीं है, तो जल्दी से जल्दी जाके फॉलो कीजिए। कई सारी एक्साइटिंग चीज़ें, कई सारी एक्साइटिंग अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे जो सबसे पहला हेडफोन है वो है ये लाइफटेक का ब्लूटूथ हेडफोन और काफ़ी बढ़िया पैकिंग में आता है। और बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कई सारे स्पेसिफिकेशंस। सो यहाँ पे आपको वैक्यूम ईयरफोन्स देखने मिलता है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है और लाइफटेक का लोगो भी उसके ऊपर देखने मिलता है। प्लस इसकी जो वायर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और जो सेंटर कंसोल है उसमें आपको देखने मिलता है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, कॉल रिसीव का बटन, माइक और LED लाइट। यहाँ पे आपको देखने मिलता है माइक्रो USB पोर्ट और SD कार्ड का स्लॉट। और गाइस, कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे हम प्ले करेंगे इसमें कुछ सॉन्ग। तो जैसे आप इसमें SD कार्ड इंसर्ट करते हो, जो SD कार्ड में सॉन्ग है वो डायरेक्टली प्ले होना स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे जो अगला ब्लूटूथ हेडफोन है वो है ये फ्री सोलो और बॉक्स के ऊपर ज्यादा कुछ भी नहीं है। सो ये है वो एक्चुअल हेडफोन, आप देख सकते हो काफी अच्छी डिजाइन है और वैक्यूम टाइप ईयरफोन्स आपको देखने मिलते हैं। प्लस इसकी जो केबल है वो है फ्लैट टाइप केबल जो काफी बढ़िया क्वालिटी की है। और जो सेंटर कंसोल है उसमें आपको देखने मिलता है फ्री सोलो का लोगो और यहाँ पे आपको देखने मिलता है माइक्रो USB पोर्ट इसे चार्ज करने के लिए, प्लस वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन कॉल रिसीव का बटन, एक माइक्रोफोन और LED लाइट इंडिकेटर। सो गाइस, अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन। और गाइस, ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम प्ले करेंगे इसमें कुछ सॉन्ग। सो यहाँ पे जो अगला हेडफोन है वो है ये आईबॉल का क्लच हेडफोन और बॉक्स के ऊपर आपको कई सारे स्पेसिफिकेशंस देखने मिलते हैं। सो गाइस, ये है वो एक्चुअल हेडफोन्स, आप देख सकते हो वैक्यूम टाइप हेडफोन है, आईबॉल का लोगो यहाँ पे आपको देखने मिलता है। प्लस जो वायर है वो है फ्लैट टाइप वायर, काफी बढ़िया क्वालिटी की है। प्लस जो सेंटर कंसोल है उसमें आपको देखने मिलता है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, पावर ऑन ऑफ माइक और एक माइक्रो USB पोर्ट इसे चार्ज करने के लिए। सो गाइस, अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन और ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम प्ले करेंगे इसमें कुछ सॉन्ग्स।
सो यहाँ पे जो अगला हेडफोन है वो है ये जी कॉर्ड का हेडफोन, और बॉक्स के ऊपर आपको उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने मिलते हैं। सो ये है वो एक्चुअल हेडफोन्स, आप देख सकते हो काफी बढ़िया डिजाइन है, नेक बैंड हेडफोन्स की तरह आपको यहाँ पे डिजाइन देखने मिलती है। प्लस यहाँ पे जो कंसोल है उसमें आपको देखने मिलता है दो बटन, जो है पावर ऑन ऑफ का बटन और कॉल रिसीव का बटन। प्लस साइड में आपको देखने मिलता है एक माइक LED लाइट इंडिकेटर, और उसके साइड में आपको देखने मिलता है माइक्रो USB पोर्ट इसे चार्ज करने के लिए। और गाइज इसके ऊपर ज्यादा कुछ भी नहीं है। सो अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन, और पावर ऑन करने के बाद यहाँ पे हम करते हैं इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट, और उसके बाद हम प्ले करेंगे इसमें कुछ सॉन्ग्स। तो यहाँ पे जो आखिरी हेडफोन है वो है लीफ का स्पोर्ट्स ब्लूटूथ हेडफोन, और बॉक्स के ऊपर आपको उसके कई सारे स्पेसिफिकेशंस देखने मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो काफी बढ़िया डिजाइन है, लीफ का ब्रांडिंग यहाँ पे दी है। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है वैक्यूम टाइप हेडफोन्स, काफी स्लिम प्रोफाइल है, और गाइज इसकी जो केबल है वो भी है फ्लैट टाइप केबल, काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी की है। प्लस जो सेंटर कंसोल है उसमें आपको देखने मिलता है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, कॉल रिसीव का बटन, एक माइक LED लाइट इंडिकेटर और एक माइक्रो USB पोर्ट इसे चार्ज करने के लिए। सो गाइज अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन, और पावर ऑन करने के बाद यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम प्ले करेंगे इसमें कुछ सॉन्ग्स। तो यहाँ पे हमने हर एक हेडफोन को इंडिविजुअली टेस्ट किया, और सबकी साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया थी, बस किसी में आपको वोकल ज्यादा देखने मिलता है, बेस ज्यादा देखने मिलता है। सो गाइज यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर रेटिंग्स देखने मिलेंगे। सो मैंने ये रेटिंग्स दी है किस हिसाब से, सो पहले है उसकी साउंड क्वालिटी, सेकंड है उसकी प्राइसिंग, थर्ड है उसकी बिल्ड क्वालिटी, और गाइज उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे रेटिंग्स दी है। और प्लस यहाँ पे हमने इसमें बात भी की, सो हर एक का माइक्रोफोन काफी बढ़िया था, रिसेप्शन काफी अच्छा था, ट्रांसमिशन काफी बढ़िया था। सो गाइज ओवरऑल सारे भी हेडफोन्स काफी बढ़िया लगे मुझे। तो दोस्तों जैसे आपने देखा उन पांचों भी हेडफोन्स का अनबॉक्सिंग काफ़ी बढ़िया थे, सारे भी हेडफोन्स गाइस, सारे भी हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी अच्छी थी, मतलब किसका वोकल्स अच्छा था, किसका बेस अच्छा था। और गाइस इसके पहले आपने वीडियो में देखा होगा मैंने रेटिंग दी है हर एक हेडफोन को। सो गाइस वो जो रेटिंग मैंने दी है वो दी है पहले मतलब उसकी साउंड क्वालिटी, सेकेंडली उसकी प्राइसिंग, और थर्डली उसकी बिल्ड क्वालिटी। और गाइस कंफर्टेबल है नहीं है उस बेसिस पे मैंने सारी रेटिंग्स दे दी है। और गाइस ये सारे भी हेडफोन्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, सारे भी हेडफोन्स वारंटी के साथ आते हैं, और गाइस ये सभी हेडफोन्स आपको मिल जाएंगे 1000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर। सो अगर किसी को इन हेडफोन्स में से कोई भी हेडफोन परचेस करना हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इन्हें परचेस कर सकते हो। सो गाइस बस यही था आज के वीडियो के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।